हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लोकेशन का सिंबल कैसे ऐड करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ सामने पेज पे दिख रहा है। तो इसको ऐड करने के लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब पर। ये रहा इंसर्ट टैब, इस पर क्लिक करिए। जब इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है आइकन्स पे, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आइकन्स का ये देखिए विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इंसर्ट आइकन के जस्ट नीचे देखिए सर्च का कॉलम यहाँ मिलता है। यहाँ हमें टाइप करना है LOCATION, लोकेशन, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ लोकेशन टाइप करेंगे तो राइट साइड में आपको बहुत सारे उससे रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। और ये देखिए, ये है लोकेशन का वो सिंबल जो हमें इंसर्ट करना है। इसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए इंसर्ट बटन आपको मिलता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे पेज पर ये आ चुका है। इसको सेलेक्ट रहने दीजिएगा, अगर सिलेक्शन हट गया हो तो दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए चारों तरफ सर्किल आपको दिख रहा है। सिलेक्शन जब ये सेलेक्ट रहेगा तो ऊपर एक नया टैब आपको मिलेगा ग्राफिक्स फॉर्मेट का, ठीक है, इस पे क्लिक करिए। और यहाँ पर देखिए ग्राफिक फिल का ऑप्शन मिलता है। मैं कलर करना बेसिकली बता रहा हूँ। इसके ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि इस बार हम ब्लू कलर ले लेते हैं, तो हमने ब्लू पे क्लिक किया और ये देखिए सब कलर चेंज हो गया।